1 to 5 का जो टीचर है वे हाई स्कूल के बच्चे को कैसे पढ़ा सकते हैं? ये बात पे आपके आजकल टीचर में तो महिला ज्यादा बढ़ चढ़ के हिस्सा ले रही है, इसका क्या कारण? वो आरक्षण है क्या और भी कुछ? कि घर पे पति बोलते हैं कि आपको अब नौकरी करना पड़ेगा। बोलिए बोलिए आप लोग कुछ। नमस्कार, आप देख रहे हो मीट 27। अभी हम उपस्थित है मधुबनी में, BPSC का एग्जाम 24 और 25 को होना है। बार बार गाइडलाइंस आता है, रूल पे रूल चेंज होता है, और यहाँ तक कि BPSC इतनी बड़ी संस्था है, एडमिट कार्ड पे ना किसी के सेंटर का आता, दूसरे पेज में सेंटर का नाम आता। ये भाई साहब भी अपने फैमिली से अपनी पत्नी को लेके आए हैं। 50% आरक्षण है, इस पर क्या बोलना है? एक बात बताइए, 50% आरक्षण इसमें कहीं दिक्कत नहीं है, लेकिन नीतीश जी के राज में जो इनका जो ख्वाब है मैं PM बनूंगा, हमको लग रहा है जो 2000 BJP वर्सेस इंडिया तो इंडिया में इनको लग रहा है जो इस बार का जो चुनाव होगा, एक वार्ड सदस्य के भी पद पर अगर नीतीश जी अगर लड़ेंगे, ये तो क्या करते, विधान परिषद बन जाते हैं, ये तो चुनाव लड़ते नहीं है। अच्छा, मेरे यहाँ पे कुछ महिला भी उपस्थित है जो एग्जाम देने जाएंगे, सेकंड सीटिंग में इनका एग्जाम है, यहाँ पे कुछ स्टूडेंट अवेलेबल हैं। तो किस टाइप का आप लोग का तैयारी हुआ? BPSC कुछ गाइडलाइन तो जारी पूरा प्रॉपर नहीं किया है। अभी जो फर्स्ट सीटिंग में आए हैं वो बोल रहे हैं कि पेपर का बहुत अच्छा लेवल है, 10th तक का है, तो ऐसा कुछ आपको? नहीं, हमको नहीं कुछ पता है। क्या बार एग्जाम दे चुके हैं? इस बार फर्स्ट टाइम है आपका। महिला को 50% आरक्षण, इस पे क्या बोलना? अब आरक्षण है कि क्या है सरकार ही ना जाने। आजकल टीचर में तो महिला ज्यादा बढ़ चढ़ के हिस्सा ले रही है, इसका क्या कारण? वो आरक्षण है क्या और भी कुछ? कि घर पे पति बोलते हैं कि आपको अब नौकरी करना पड़ेगा। बोलिए बोलिए आप लोग कुछ। बेरोजगारी। अच्छा, घर पे ही तैयारी कर रहे थे कि आप बाहर जाके? घर पे ही तैयारी कर। कितने बच्चे आपके? एक बच्चे। अच्छा, महिला ज्यादातर बढ़ चढ़ के हिस्सा ले रही है टीचर में, और भी कोई जॉब में नहीं ले रही है, तो क्या कारण है इसका? आरक्षण या फिर ये आसानी से जॉब मिलने वाला? आसानी से कोई भी जॉब नहीं मिलते हैं, बस महिला को ये है जो घर पे रह के बाल बच्चा को देख के टीचर का जॉब संभाल लेते हैं, बस यही है। हाँ, मतलब कि ग्रामीण स्तर पे स्कूल कॉलेज मिल जाता है, वहाँ पे ज्वाइन, बाल बच्चा को देखते, घर गृहस्थी देखते, अपना जॉब कर लेती है। अच्छा, ये स्टेट TET दोनों पास है आप लोग? 1 to 5 पास है बस, 1 to 5। लेकिन ये रूल आ गया, 6 to 8 को क्यों नहीं निकाला? अच्छा हाँ, ये भी बात है कि 6 to 8 के लिए वैकेंसी नहीं निकला, 1 to 5 के लिए निकाला, 8 भी पास है, नहीं निकाले 6 to 8 के लिए। और उसमें भी जो ऑल इंडिया PET दिए जाके, उसमें भी सेंटर बहुत दूर दूर दिया, उस टाइम पे आपका सेंटर कहाँ था? CTT का पटना थे। पटना था, बहुत बड़े बच्चे का दिल्ली पंजाब ऐसा ऐसा सेंटर दिया हुआ था। आपको कितने बच्चे? बोलिए बोलिए। अरे शर्माने वाली क्या बात है, इसमें बोलने में क्या दिक्कत है? कितने? दो बच्चे। तो सरकारी स्कूल में पढ़ाते हैं प्राइवेट स्कूल? सरकारी स्कूल में पढ़ाते हैं, सरकारी स्कूल में। अभी जो KK पाठक ऐसा औचक निरीक्षण कर रहे हैं, तो इस पे क्या लग रहा है, अच्छा काम कर रहे हैं? हम लोग उसमें है ये नहीं, तो निरीक्षण है, पता क्या चलेंगे क्या होगा। सही बात है ना, हम लोग उसमें रहते तो ना पता चलते। अच्छा, वो एडमिट कार्ड पे सेंटर नहीं शो कर रहा, BPSC इतनी बड़ी संस्था है, एग्जाम ले रही है बारी बारी से, अच्छे तरह से कंडक्ट करती है, एडमिट कार्ड पे सेंटर शो नहीं कर रहा, दूसरे पेज में सेंटर का नाम आ रहा है, तो BPSC को क्या बोलना है कि ये सब सुधारे?